अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो ये देखें जी, आज मैं छत पे जैसे ही आया हूँ तो देखा है मेरे फैंटेल कबूतर जो थे, येलो टेल पिजन्स, ये मर चुके थे। बिल्ली पता नहीं अभी यहाँ से घुसी है, मेरे ख्याल से ये यहाँ से, ये थोड़ी सी जाली यहाँ नीचे से टूटी थी, ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से बिल्ली घुसी है और इनको मार के चली गई। हालाँकि इतने साल हो गए मैं इस खुट्टे में कबूतर मैंने रखे हुए हैं कई सालों से, तो कभी ऐसा वाक्य पेश नहीं आया। तो ये देखें अभी इसके दो बच्चे भी थे, हालांकि बिल्लियाँ यहाँ पे छत पे फिरती रहती हैं इधर उधर रोज़ाना, लेकिन ऐसा वाक्य कभी पेश नहीं आया। तो जैसे ही मैं छत पे आया हूँ तो आज देखा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। तो इंसान जब भी आप कबूतर रखें ना, कोई भी कबूतर रखें, तो सबसे पहले उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी सेफ्टी नहीं है तो मेरे ख्याल से कबूतर रखना ही बेकार है। तो ये इसमें मेरी गलती भी है कि जाली टूटी हुई थी, मैंने इसको मुरम्मत नहीं की, सेट नहीं करवाया। ये देखें, ये यहाँ से बिल्कुल जाली टूटी हुई है थोड़ी सी, मेरे ख्याल से यहाँ से बिल्ली अंदर घुसी है। और खाए इसने कुछ भी नहीं है, बिल्ली ने खाया कुछ भी नहीं है, ना एक बच्चा खाया है, ना दूसरा बच्चा खाया है, ना एक कबूतर ना दूसरी, सिर्फ इनको मार के चली गई है बस। तो बस जी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरा इतना अच्छा पेयर था, ये बहुत पुराना पेयर था और मुसलसल ब्रीडिंग कर रहा था। कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद ये दो बच्चे बड़े करता था, एक एक छोटा था और एक बड़ा, लेकिन वो जब बड़े होते हैं तो साइज़ में बराबर हो जाते थे। लेकिन बस जो नसीब में हो वही होता है, तो आपने दुआ ज़रूर करनी है। और सेफ्टी भी सबसे ज़्यादा, सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। अगर सेफ्टी नहीं है तो कबूतर रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंसान इतने शौक से कबूतर लाता है, उनके रखता है और बिल्ली एकदम मार जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दुआओं में बस याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।